दुनिया भर में 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन को जोश से मनाने और महिलाओं की उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए भारत सरकार उन प्रख्यात महिलाओं और संस्थानों को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करती है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कारगर कदम उठाए हैं, जिन्होंने समाज में न सिर्फ जरूरतमंदों के लिए कुछ किया है बल्कि अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित किया है। आज हमारे देश में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जरूरत है उनमें आत्मविश्वास जगाने की और उन पर विश्वास करने की। जरूरत है बेटियों को बचाने की। पक्की और बुलंद इरादों वाली महिलाओं के हौसलों को बढ़ाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 8 मार्च को एक विशेष समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। कहते हैं उम्र कुछ नहीं, सिर्फ नंबरों का खेल है, और इस बात की पुष्टि करती हैं 98 साल की योग गुरु वी नानम्मल, जो आज भी योग के आसनों को बड़ी आसानी से कर लेती हैं। उन्होंने अब तक करीब 100 प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया है और कई गोल्ड मेडल और ट्रॉफीज भी जीती हैं। इनके करीब 600 शिष्य दुनिया भर में योग सिखाते हैं। देश की माँ नानम्मल को हमारा सलाम। பேச்சு முதலாவது கொள்ளு பேச்சு முதலாவது எல்லாருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கிறேன் சாமி. நாங்கள் அந்த காலத்தில் முடிச்சு எங்கள் தாத்தா பாட்டி 100 வருஷத்துக்கு மேலே இருந்து வாழ்ந்தாங்கோ, அவளை பார்த்து நாங்களும் இந்த யாசனமும் யோகாவும் நிறுத்திட்டுருக்குறோம். எனக்கு 98 வயசாச்சு, நானாயிட்டம் பிள்ளை குட்டி ஆச்சு, இன்னும் நாங்கள் ஆஸ்பத்திரி போகல, ஒரு மாத்திரை மருந்து சாப்பிடல, ஊசி ஒன்றும் போடலை, அதுதான் எனக்கு தெரியும். இந்த காலம் எல்லாம் குண்டு குண்டாக இருக்கிறாங்கோ. அந்த காலத்தில் நாங்கள் என்னமோ எங்களுக்கு தகுந்ததை செசா சுகப்பிரசமும் எல்லாம் சுகப்பிரசந்தான் ஆகுது. உப்பு இருக்கிற மக்களும் என் ரூட்டுக்கு வந்துட்டு போகிற மக்கள்லாம் சுகப்பிரசந்தான் ஆகணும். கர்ப்பப்பை எடுக்காமல் காலம் தள்ளுறதுக்கு தான் யோகா சொல்லி கொடுக்குறேன் நான். ஏ ஹே அம்ருதா பாட்டில், ஜு கை பிரதிபாவும் கிளிய ஜானி ஜாதி ஹே, லேகிகா, பெயிண்டர் और देश की पहली महिला ग्राफिक नॉवलिस्ट। अमृता पुराने समय से चली आ रही कहानियों को बड़े रोचक तरीके से पेश करती हैं। My books have been about different things, but there are certain preoccupations that keep recurring. Like for me, the female person or the place of women in society is something that is very large. You know, when you are doing anything which is not conventional, just the act of continuing to do it is an act of rebellion, it's an act of stubbornness, and it's an important thing. You know, to have faith in yourself when nobody else has. The feminine being respected is equal to the earth being respected, is equal to all the forces of nature being respected. These are all tied. Anybody that disrespects the soil is highly likely to be a kind of person that disrespects a woman. These are not things that are far away from each other. When I choose a sutradhar who's a woman who speaks in a certain voice, I am giving voice to all the concerns of the women and all the ways that one could be addressing those via mythology or via the things that I'm trying to say. ये है स्मिता टांडी, जो छत्तीसगढ़ पुलिस में कांस्टेबल है। साधारण सी जिंदगी जीने वाली स्मिता ने पैसों की कमी की वजह से अपने पिता को खोया, जिसका गम आज भी है उन्हें। लेकिन इस दुख से स्मिता टूटी नहीं, बल्कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया ताकि गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सके। फेसबुक पर स्मिता के 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जो जरूरतमंदों के लिए स्मिता को सपोर्ट करते हैं और उन पर विश्वास करके पैसों से भी मदद करते हैं। कांस्टेबल की नौकरी से मिल रही थोड़ी सी तनख्वाह भी लोगों के प्रति स्मिता के सेवा भाव को नहीं तोड़ पाई। मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, और जो कार्य मैं कर रही हूँ उसको लोगों तक देखा जा रहा है और लोगों तक पहुँचा जा रहा है जो मैं कार्य कर रही हूँ, और लोगों को मुझ पर भरोसा होता जा रहा है, इसलिए लोग मुझसे जुड़ते जा रहे हैं और मेरे कार्यों को बहुत ही सराहनीय तरीके से सराहा जा रहा है। मैं उन लोगों की मदद करती हूँ जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक ना हो और वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो और उनके पास पैसे नहीं रहते ट्रीटमेंट के लिए, उसमें मैं लोगों तक पहुँचती हूँ। उनका डिटेल लेके मैं
अपना मैसेज अपडेट करती हूँ और उनको सही एक हॉस्पिटल डॉक्टरों से बात करना, ये सभी पूरा डिटेल बात करके वो लेके फिर अपना एक फेसबुक अकाउंट में जो मैंने बनाया हुआ है उसमें मैसेज अपडेट करती हूँ और फिर जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं वो उनकी हेल्प करते हैं। Passengers, may I have your attention, please? बचपन से मुमताज ने अपने पिता को रेलवे में काम करते देखा और हमेशा ये सोचा कि किसी दिन वो भी ट्रेन चलाएंगे। मुमताज ने अपनी सोच को सच कर दिखाया और बन गई एशिया की पहली महिला डीजल ट्रेन ड्राइवर। लेकिन पुरुष प्रधान पेशे में काम करना इतना भी आसान नहीं था। 20 साल की उम्र से शुरू किए इस सफर में मुमताज ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अपने बुलंद हौसलों को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। साल 2015 में मुमताज को रेलवेज जनरल मैनेजर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। मैं पहले छोटी थी तब से मैं सोचती थी कि मैं भी ऐसा ऊंचा मकाम हासिल करूं और पूरे वर्ल्ड में नाम रोशन करूं। कुछ भी हो जाए, कितना भी बारिश हो, कितना भी ये हो, बाढ़ आया हो या कुछ भी, तो एक बार जो चार्ज लिया है उसको हम बराबर ड्यूटी करना पड़ता है उधर। मैं सोचती हूं कि मेरा पूरा मेहनत का अल्लाह ताला ने बराबर मुझे मकाम पर पहुँचाया और मुझे दे रहा है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कोई भी चैलेंज हो, कोई भी मुसीबत हो, तो ऊपर वाले को याद करके मेहनत से उसको करने का कोशिश करें। जुबोनी हुमजोय वो नाम है जिसने अपनी छात्रवृत्ति में मिली राशि को बचाकर प्रेशियस मी लव नाम की कंपनी की शुरुआत की, जो एक ऑनलाइन फैशन ब्रांड है। अपने ब्रांड को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए जुबोनी ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल किया। यहां सारा काम लड़कियां ही करती हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जुबोनी ने बहुत मेहनत की है। अपनी कंपनी के जरिए जुबोनी कई ऐसी लड़कियों की मदद करती हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी या जिन्हें समाज ने ठुकरा दिया। वो बेसहारा और उत्पीड़ित महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास कर रही हैं। जुबोनी के इस प्रयास के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। Building precious me love has been a big challenge. There were times when we would not sleep and work like crazy. It was frustrating and it is still frustrating because there is so much problems in our state. It makes me really sad. I have had to run around so much. It has also been a magical journey and an adventure because so many people came forward to help support us. Messages from students who say that we are their inspiration and that they also dream of chasing after their dreams and ambition. Anything is possible. Dreams do come true and no dream is too big or no dreamer too small. अक्षरांकन, जिसे कैलीग्राफी भी कहा जाता है, अक्षरों को लिखने की कला है और कमार दागर ने न सिर्फ इस कला में महारत हासिल की है बल्कि इस कला को देश और विदेश में प्रदर्शित भी किया है। इनके काम को रशिया, अमेरिका, यूरोप में काफी सराहा गया है। साल 2012 में इन्हें वुमेन्स इंटरनेशनल नेटवर्क अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस आधुनिक दौर में जहां लोग कैलीग्राफी की कला को भूलते जा रहे हैं, वहीं कमार इसे फिर से प्रचलित करने में लगी हैं। दागर परिवार से मेरा ताल्लुक है जो 20 पीढ़ियों से ध्रुपद शैली को बरकरार रखे हुए है। घर में हमेशा से माहौल आर्ट्स का रहा है। जाहिर है म्यूजिक तो है ही, लेकिन और भी जो विधाएं हैं उन हमेशा हमें जब हम छोटे थे हमको सिखाया गया कि आप जो करते हैं वो अपनी जगह, लेकिन एक दूसरे जो आर्ट फॉर्म कर रहे हैं या कोई भी और काम कर रहे हैं उनके प्रति भी हमारा आदर होना चाहिए। मैं पिक्टोरियल कैलीग्राफी करती हूँ। ये एक किस्म का कैलीग्राफी जो आर्ट सुलेख का एक की कला है, उसका एक और इवॉल्व फॉर्म कह सकते हैं। उर्दू और हिंदी स्क्रिप्ट को मिला के मैं अपने पिक्चर्स बनाती हूँ। ये मेरा आर्ट फॉर्म है। इसके ज़रिए मैं जो हम हर रोज़ दिन रात बोलते लिखते पढ़ते हैं स्क्रिप्ट, तो अपने आर्ट के द्वारा मैं इसकी अभिव्यक्ति करती हूँ। माना कि इस ज़मीं को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। चेन्नई की रहने वाली कल्याणी प्रमोद बालकृष्णन एक शिक्षित महिला है जिन्होंने जुलाहों और कारीगरों के साथ मिलकर कई लुप्त होने वाली पारंपरिक कलाओं का संरक्षण किया है।
इनके इस काम की वजह से उन्हें इन कारीगरों की हालत का अंदाजा हुआ और कल्याणी ने इन कारीगरों को सशक्त बनाने और इनके बच्चों की सेहत तथा उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए हर संभव प्रयास किए। इतना ही नहीं, वो असामान्य बच्चों को भी कारीगरी सिखाती हैं ताकि उन्हें किसी और पर निर्भर ना होना पड़े। कंट्रीब्यूटिंग नॉट जस्ट डिजाइंस, टेक्नोलॉजी अपलिफ्टिंग देम विद वेरियस एरियाज ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल्सो लुकिंग एट द वीवर्स and their traditions and working in the area of handlooms was a great pleasure. Now, I feel it is important that I also take it to the disability sector, especially the children with disability. And even here, some of these children are now weaving and their woven products are selling and they are making their life better, as well as they feel that they also can contribute to the society. On the scheme of Swarna Jyoti Gram Swarojgar Yojana, and in that we worked with almost 19,500 weavers all across 13 districts of Tamil Nadu. I have done all this single-handedly. I do not have an institutional support of any kind. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये पंक्ति इन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये न सिर्फ देश की बल्कि दुनिया की पहली महिला मोटरसाइकिलिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची और मुश्किल पहाड़ियों पर मोटरसाइकिल से अपना सफर तय किया है। जय हिंद, मैं हूं पल्लवी फौजदार। पल्लवी अब तक हिमाचल, उत्तराखंड, लेह, लद्दाख और कश्मीर में अपनी हिम्मत का परचम लहरा चुकी हैं। लेकिन इस मुकाम पर पहुँचना पल्लवी के लिए आसान नहीं था। उन्हें लोगों के ताने भी झेलने पड़े और महिला होने के नाते उनके हौसलों को तोड़ने की पूरी कोशिश भी की गई, मगर पल्लवी ने हिम्मत नहीं हारी। मेरे माता पिता ने ये सोचकर कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे कभी इस सफर पे आगे जाने से रोका नहीं। समाज जिसको हम बोलते हैं वो मेरे इस रास्ते में ज़रूर आए कि मेरे माता पिता को भी कई बार उन्होंने बोला कि आप लड़की से बाइक क्यों चलवाते हैं और उसको क्यों चलाने देते हैं। तो मेरे फादर ने ये बोला था उनको, जब मेरे बेटे बाइक चला सकते हैं तो मेरी बेटी क्यों नहीं। मेरे को ये विश्वास है मैं उस देश से हूँ जहाँ नारी को शक्ति के रूप में पूजा जाता है, और उस शक्ति का अब मुझे प्रदर्शन करना होगा। और मैंने अपनी राइड की प्लानिंग शुरू कर दी। दीवारें ऊंची हैं, गलियाँ हैं तंग, लंबी डगर है, हिम्मत है संग, पाँव पिछाले हैं, सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आज़ादी की जंग, बेखौफ आज़ाद है रहना मुझे, बेखौफ आज़ाद है जीना मुझे। पल्लवी की ही तरह सुनीता चोकन भी निडर और अद्भुत है। हरियाणा की रहने वाली सुनीता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में झंडा फहराने वाली देश की सबसे छोटी बेटी है। लेकिन एवरेस्ट की चोटी पर जीत हासिल करने से भी बड़ा काम जो सुनीता ने किया है वो है लड़कियों को कुछ कर दिखाने के लिए प्रेरित करना। वो बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को जागरूक करती है, साथ ही शिक्षा के महत्व के बारे में भी उन्हें समझाती है। इन्हें साल 2013 में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जब मैंने एवरेस्ट क्लाइम किया था उस टाइम जो मेरा एम था वो था स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मैंने टीवी पे एक रियलिटी शो देखा था जिसका नाम था मिशन एवरेस्ट। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये करना है। आई वॉज इन 7th स्टैंडर्ड जब मेरे लिए भी रिश्ते आने स्टार्ट हो गए थे और मेरी जो फ्रेंड्स थी गाँव में जितनी भी उन सबकी ऑलमोस्ट शादी हो गई थी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि मैं किसके साथ खेलूं। तो तब मुझे रियलाइज हुआ था कि शायद मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए, बट मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और जैसे ही मुझे एवरेस्ट का ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे लगा कि अब मेरा गोल यही होना चाहिए। मैं जब गई थी टॉप पे तो मैं दो बैनर लेके गई थी, एक पे लिखा था स्टॉप अर्ली मैरिज और दूसरे पे लिखा था आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। और उसके बाद 2015 में मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विलेजेस में जाती हूँ तो वहाँ पर मेरा हमेशा ये होता है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, स्पेशली गर्ल्स को मोटिवेट करूं कि वो आगे बहुत कुछ कर सकती हैं लाइफ में, शादी ही सब कुछ नहीं होता है।
सशक्त और प्रेरणा की स्रोत इन सभी महिलाओं को देश का सलाम।